नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 999, 999, 995 और फाइन जो गोल्ड होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से बार जब आप लोग गोल्ड कॉइन बाई करने के लिए जाते हैं या ऑनलाइन पर देखते हैं तो आप लोगों ने ये चीज जरूर देखी होगी कि वहां पे जो है आप लोगों को तीन चार साइंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि 999.5, 999, 995, इस टाइप के जो है साइंस आप लोगों को देखने मिलते हैं। और साथ ही साथ में गोल्ड का जो कॉइन होता है उसके ऊपर आप लोगों को एक और चीज लिखी हुई कहीं कहीं पे मिल जाती है, फाइन गोल्ड। तो इन सब में क्या अंतर है, यही आज हम लोग समझने की जो है कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप भी हम लोग समझ लेते हैं कि इन सब में जो है क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 999.9 गोल्ड के बारे में बताने की कोशिश की है। तो 999.9 जो गोल्ड होता है उसमें जो है 99.99% जो होती है प्योरिटी होती है, यानी कि 99.99% जो गोल्ड का सिक्का है वो प्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास में 10 ग्राम गोल्ड का कॉइन है और उसकी जो प्योरिटी है 999.9 है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस 10 ग्राम के गोल्ड कॉइन का 99.99% करना होगा, तो हम लोगों को जो है उसका एक्चुअल जो उसमें प्योर गोल्ड है उसका वेट पता चल जाएगा। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस जो 10 ग्राम का सिक्का है तो इसमें जो प्योरिटी है यानी कि जो शुद्ध सोना है 9 ग्राम 999 मिलीग्राम है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीग्राम जो है आप लोगों का अशुद्ध सोना है 10 ग्राम के सिक्के में। और अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस में अगर हम लोग देखेंगे तो गोल्ड प्राइस अगर मान के चलिए 5,187 रुपीज पर ग्राम मैंने यहाँ पे काउंट किया है, मतलब 51,870 रुपीज आज के हिसाब से मैंने काउंट किया है। तो अगर इसको हम लोग 1 ग्राम गोल्ड कॉइन को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, अब ये 1000 मैंने क्यों किया है, क्योंकि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। तो 1000 मिलीग्राम से जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको जो है 1 मिलीग्राम की प्राइस पता चल जाएगी। तो 1 मिलीग्राम की प्राइस यहाँ पर कितनी आ रही है, 5.178, मतलब 5 रुपए 20 पैसे के करीब आप मान के चल सकते हैं 1 मिलीग्राम का जो हमारा इम्प्योरिटी है, तो उस इम्प्योरिटी की जो है प्राइस है। तो आप लोगों को जब गोल्ड बाई करने के लिए जाए तो जरूरी नहीं है कि आप 999.9 प्योरिटी का ही गोल्ड ले, हो सकता है आप 999 प्योरिटी का भी गोल्ड लेते हो, तो मैं आगे उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये MMTC पैम का जो है गोल्ड कॉइन है और इसमें 24 कैरेट 999.9 प्योरिटी बता रहे हैं, मतलब ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है जो गोल्ड कॉइन होता है उसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों 999 गोल्ड के बारे में। तो आप अगर गोल्ड कॉइन बाई करते होंगे तो आपको 999 ज्यादा सुनने को मिलता होगा, क्योंकि ये ज्यादातर यूज में आने वाली चीज है। ये तो 999.9 अभी अभी जो है 4-5 साल 6-7 सालों में जो है इसका चलन जो है बढ़ा है, क्योंकि इंटरनेट ने इतना मतलब इन सारी चीजों को वायरल कर दिया है कि एक एक पॉइंट से लोगों को बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 999 प्योर गोल्ड की बात करते हैं। 999 प्योर गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो 99.9% होती है, यानी कि अगर हम लोग 10 ग्राम आपके पास मान के चलिए गोल्ड का कॉइन है तो 10 ग्राम को 99.9% कर देते हैं तो 9 ग्राम 990 मिलीग्राम जो है उसमें से शुद्ध सोना निकलेगा, मतलब आप लोगों का जो 10 ग्राम का कॉइन है उसमें 10 मिलीग्राम अशुद्ध सोना है। तो अशुद्ध सोना 10 मिलीग्राम है तो उसकी भी अगर हम लोग प्राइस की कैलकुलेशन करें तो कितना बैठेगा, तो जैसा कि पहले हमने गोल्ड का रेट पकड़ा था 5178 को हम लोगों ने 1000 से जो है डिवाइड कर दिया, मतलब 5.178, मतलब 5 रुपए के करीब जो 5 रुपए 20 पैसे के करीब जो है 1 मिलीग्राम का प्राइस है। तो इसको अगर 10 मिलीग्राम का हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था तो अगर हम लोग इसको 10 से इंटू कर देते हैं तो 51 रुपए 78 पैसे की जो है आपके गोल्ड कॉइन में जो है इम्प्योरिटी है। अभी ये जो मैं प्राइस की आप लोगों को यहाँ पे बात बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि इतना ही जो है प्राइस का वेरिएशन हो मार्केट में, ये मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो बता दूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक स्वर्णा करके गोल्ड कॉइन है जो WHP का है, वामन हरि पेठे का है, तो ये 2 ग्राम का गोल्ड कॉइन है और यहाँ पे फाइन गोल्ड लिखा हुआ है 999 प्योरिटी, तो 999 प्योरिटी का ये गोल्ड कॉइन है। तो इसी तरीके से अभी हम बात कर लेते हैं 995 गोल्ड की। आप लोगों ने बहुत कम ये देखा होगा लेकिन 995 भी एक गोल्ड कॉइन होता है जो आजकल तो लगभग लगभग रिटेल में बिकना बंद ही हो गया है, ये आप मान के चल सकते हैं। तो 995 जो गोल्ड होता है, जो गोल्ड कॉइन होता है उसमें 99.5% जो होता है वो प्योरिटी होती है गोल्ड की। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आप लोगों के पास 10 ग्राम गोल्ड है
तो 10 ग्राम का 99.5% हम लोग करेंगे तो 9 ग्राम 950 मिलीग्राम जो है उसमें से शुद्ध सोना निकलेगा, मतलब 50 मिलीग्राम जो है उसमें सोना जो है अशुद्ध रहेगा। तो अगर इस हिसाब से हम लोगों ने जैसे गोल्ड का प्राइस पहले कैलकुलेट किया था तो 5 रुपये 178 पैसे या फिर 5 रुपये 20 पैसे आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पॉइंट में डिवाइड किया था इसलिए 178 आ गया है। तो 5 रुपये 20 पैसे के आसपास 1 मिलीग्राम होता है, उसको अगर इंटू 50 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 मिलीग्राम की जो है इम्प्योरिटी है, तो 258 रुपये जो है आप लोगों को 258 रुपये 90 पैसे मतलब 259 रुपये के करीब जो है इसमें गोल्ड की प्राइस में जो है डिफरेंस आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मैंने तो ये आपको प्राइस डिफरेंस कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन आप लोग जब ज्वेलर्स के शोरूम में जाते हो तो आप लोगों को अलग अलग गोल्ड के प्राइजेस देखने को मिलते हैं। तो उसका कारण ये भी हो सकता है एक कि वहां पे अलग अलग जो है प्योरिटी का गोल्ड कॉइन होता है और वो अलग अलग प्योरिटी का गोल्ड कॉइन की अलग अलग प्राइस लेते हैं, उसके बाद में उसमें डाई चार्ज या जिसको मेकिंग चार्ज भी हम लोग कह सकते हैं वो लेते हैं, फिर 3% जीएसटी लेते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत जो है हम लोगों को ये सब वेरिएशन देखने को मिलता है। जहाँ पे हम लोगों को सबसे ज्यादा महंगा देखने को मिलता है वहां पे आप लोग एक चीज कॉमनली देखेंगे कि वहां पे जो है गोल्ड कॉइन की प्योरिटी 999.9 होगी। तो दोस्तों ये तो एक चीज हो गई, मैंने आपको प्राइस डिफरेंस के बारे में भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 99.5 मतलब 995 का जो गोल्ड कॉइन है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप पिक्चर में ये देख पा रहे हैं इस टाइप का कॉइन होता है, लेकिन एक रॉ टाइप का भी कॉइन होता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है वॉलकैम्बी स्विस की, तो वॉलकैम्बी स्विस का ये 100 ग्राम का गोल्ड का बार है, इसको बार कहते हैं, और ये 995 प्योर है मतलब 99.5% प्योर है। और इन सब का उपयोग जो है ज्यादा से ज्यादा ज्वेलर्स लोग करते हैं, क्योंकि मान के चलिए किसी ज्वेलर ने किसी कारीगर को ज्वेलरी बनाने के लिए दी, तो वो अगर ज्वेलरी बनाने के लिए उसने दी है तो जाहिर सी बात है इतना अच्छा फाइन कॉइन जो है कोई ज्वेलर काट के उस कारीगर को नहीं देगा कि भाई ये लो आपका गोल्ड और मुझे जो है मेरी ज्वेलरी दे दो, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज भी लगता है, जीएसटी भी लगता है। इसके लिए जो ज्वेलर है वो जनरली जो है इस गोल्ड कॉइन का यूज करते हैं। इस मतलब ये पर्टिकुलर मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एमएमटीसी भी आ सकता है, एमएमटीसी और स्विस का, और उसी के बाद में जो है वॉलकैम्बी का भी आ सकता है, ऐसे अलग अलग आते हैं। तो जस्ट आप लोगों को एक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइन गोल्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों फाइन गोल्ड का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, जो प्योर गोल्ड होता है उसी को जो है फाइन गोल्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए 999 का जो गोल्ड कॉइन है वो भी फाइन में ही आएगा, और 995 भी है वो भी लगभग फाइन में ही माना जा सकता है, क्योंकि उसमें भी कुछ खास इम्प्योरिटी नहीं है। 50 मिलीग्राम 10 ग्राम गोल्ड में मतलब वो कोई इम्प्योरिटी ज्यादातर देखा जाए तो नहीं मानी जाएगी, और उसके बाद में 999.9। लेकिन ये सबसे फाइन जो है गोल्ड है, क्योंकि ये सबसे फाइन गोल्ड होने का कारण ये है 999.9, क्योंकि फाइन गोल्ड की डेफिनेशन ये कहती है कि फाइन गोल्ड में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फाइन गोल्ड जो होता है उसमें वेट टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। अब ये वेट टॉलरेंस क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेट टॉलरेंस होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे WHP का जो है गोल्ड कॉइन है फाइन गोल्ड 999 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टॉलरेंस लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.05 ग्राम्स, मतलब यहाँ पे जो है 50 मिली के आसपास, जैसे 10 ग्राम का आप गोल्ड कॉइन बाई करते हैं तो 50 मिली के आसपास या तो 50 मिली ज्यादा हो सकता है या तो 50 मिलीग्राम कम हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं वेट टॉलरेंस। और लेकिन अगर आप किसी और इसमें देखेंगे ब्रांड में तो हो सकता है कहीं कहीं पे 20 मिलीग्राम भी लिखा हो, कहीं कहीं पे 10 मिलीग्राम भी लिखा हो, लेकिन ये जो वेट टॉलरेंस होता है ये एक्चुअल में होता नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे हर किसी के पास में अलग अलग जो है वेइंग मशीन या वेइंग स्केल्स होते हैं, तो आपके पास मान के चलिए एक वेइंग स्केल है और एक मेरे पास वेइंग स्केल है, तो दोनों में अगर कैलिब्रेशन का कुछ इशू हुआ तो 10-20 मिलीग्राम का तो ऐसे ही फर्क आ सकता है। इसके लिए ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप फाइन गोल्ड के बारे में भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये तो था आज का 999.5 और 999.9 की प्योरिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और फाइन गोल्ड के बारे में भी बताया। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आने वाले संडे को जो है मैं एक बार फिर से लाइव आऊंगा, क्योंकि पिछले संडे भी मैं लाइव आया था और आप लोगों के बहुत सारे सवाल लेना चाहता था,
लेकिन शायद आप लोगों को इसकी जो है नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी, इसके लिए बहुत कम लोग जो है लाइव पे आए थे। तो वहां पे भी आप अगर चाहे तो आपके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई सवाल ना भी हो तो दूसरों के सवालों से आप सीख सकते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी में कैसे काम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी हो। आज के लिए बस इतना ही।